राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कहलाएगा। अच्छा। जिसकी माँ कृष्ण, बाप पता नहीं कौन, ये पता नहीं कौन, वो हिंदुओं के लिए बोलेगा क्या? कह रहे हो कि जो अपने को हिंदू कहेगा, जो हिंदू कहता है वो आतंकवादी है, ये 80 करोड़ आदमियों को गाली है। लानत है हिंदू जो अचानक चुपचाप बैठा है, लानत है इस हिंदू होने पे, लानत है लानत। गांधी का सिर्फ नाम लेके उन लोगों ने अपने आप को आगे फॉरवर्ड किया है। अगर गांधी का नाम उन्हें नहीं मिलता, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, अगर उनका नाम उनको नहीं मिलता तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं नवाज पढ़ते हुए या कहीं ना कहीं किसी मस्जिद में बैठे हुए मिलते हैं हमें। आज कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसक होते हैं, जबकि उसका नरेंद्र मोदी ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर कटाक्ष किया, कहा कि राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। जनता से जानेंगे कि जनता क्या सोचती है राहुल गांधी के इस बयान पर। क्या शुभ नाम है भैया आपका? तरुण भैया। तरुण जी, तरुण भाई ये बताइए, आप एक हिंदू हैं? बिल्कुल सर जी। तो हिंदू होने के नाते आज जो राहुल गांधी ने जो बोला उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मन में आपके आया जब? सर वो राहुल गांधी नहीं है, अगर वो हिंदू होता, एक बात बताइए, फिरोज खान का पोता, वो हिंदुओं का अपमान नहीं करेगा तो और क्या करेगा? फिरोज खान का पोता अगर हिंदुओं का अपमान नहीं करेगा तो क्या आरती उतारेगा? उल्टा जनेऊ पहनने वाला, सावरों में मीट खाने वाला, कभी क्या हिंदुओं का पक्ष में बोलेगा क्या? एक आप बात बताइए, हिंदुओं का पक्ष में बोलेगा? ये बात हकीकत है भाई। जिसकी माँ कृष्ण, बाप पता नहीं कौन, ये पता नहीं कौन, वो हिंदुओं के लिए बोलेगा क्या? जिसकी माँ ने, एक बात बताइए, माँ से ही बढ़ता है ना इंसान, माँ से ही सीखता है, माँ ही गुरु होती है। जिसकी माँ सबसे पहले कहती है कि राम काल्पनिक है, वो कल की आई हुई वो और ये इसका बेटा क्या हिंदुओं की आरती उतारेगा क्या सर? लेकिन वो तो खुद को ब्राह्मण बोलते हैं कि हम तो एक वो गोत्र बताते हैं, मैं उसको भूल रहा हूँ अभी, लेकिन वो बताते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं। सर वो एक कहावत है ना, मैं भूल गया, राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग सुनिए, फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कहलाएगा। अच्छा सर, ये बेकार की बातें हैं और ये मेंटलों वाली बैठे हैं। जिसकी माँ ने भरे सांसद में वाजपेयी जी को मेंटल कहा था, जिस पूरी दुनिया उसके बेटे को मेंटल बता रही है, तो और क्या क्या आशा कर सकते हो उससे? ये बताइए, लगातार सनातन या हिंदू ही नहीं पता भी, मैंने पानी पिया फिर पानी पी रहो, पिया नहीं पिया फिर पानी पी रहो, अरे सर उससे क्या आप वो कर सकते हो? ये डायलॉग तो पुराने हो गए, चील कौओं को रोजगार, सिलेंडर, बच्चे, ये वो सब ये पुराने हो चुके हैं, अब नए हैं वो भूलने की बीमारी गजनी, ये पानी पीता फिर भूल जाता फिर हिसाब से पानी पी लेता। सर ये बताइए, लगातार सनातन ही टारगेट क्यों या हिंदू ही टारगेट क्यों? कभी ये कह देना कि मूर्तियां शक्तिहीन हैं और ऐसे कह देना, कभी कह देना कि मंदिर में लोग महिला को, मैंने 100 बात की एक बात कह दी, फिरोज खान का पोता कभी क्या हिंदुओं के साथ देगा, कभी क्या मंदिर जाएगा क्या? ये तो मोदी जी ने इन्हें मंदिर सिखाना सिखा दिया विपक्ष को कि सालो जाओगे तो यमराज के पास तलोगे नहीं जाओगे, सिर्फ खाई जाओगे, थोड़ा बहुत पुण्य कर लो, समझ रहे हो? वरना ये 32 चोर, आपको नहीं पता सर, ये सनातन के खिलाफ ही हैं, इनका डीएनए कोई और ही है सर। सबसे बड़ा चोर जो ये बताते हैं, एक कुल में पैदा हो जाते हैं, इनका डीएनए कहीं और से चला रहा है। आज मोदी जी को भी कह रहे थे कि मोदी जी भी हिंदू नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं हिंदू होने का। अरे सर देखो, ये बेकार की बात है, मोदी जी हिंदू नहीं है तो मोदी जी वो नहीं है, ये मेंटल है, इसकी आप बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो कि भोले बाबा को चित्र दिखा के कह रहा है कि ये देखो हाथ का पंजा। अरे जिस दिन तेरी टांग वाले ने अभी तुम्हें अभी बता दिया ना, तो तुम साले कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारी पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और तुम बात करते हो दीन दुनिया जान की, इनकी पीढ़ियाँ ख़त्म कर देंगे जिस दिन दिखा दिया तेरी टांग वाले ने। अभी तो भोले हैं वो, भोले बाबा है, अभी तेरा टेढ़ी टांग वाला आ गया तो दिखा देगा इन्हें कौन हूँ मैं। तो भगवान शिव की तो सिर्फ सुदर्शन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका सुदर्शन इस टाइम सारे सनातनी है जी। समझ रहे हैं उसका एक सवाल मैं चाचा से पूछूंगा। चाचा आप बताइए, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 55 साल उम्र है। क्या नाम है आपका? हमारा अनिल कुमार नाम है। आप भी हिंदू हैं? हाँ बिल्कुल हिंदू हैं। जब आज आपके कानों में ये बात आई कि आज राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा बोला, सदन में ऐसा बोला, तो क्या भावनाएं आहत हुई? देखिए भाई साहब, हमारे साथ छोड़ो, ये 80 करोड़ हिंदुस्तान के जनमानव की ये भावना को ठेस पहुंची है। किसी की भी धर्म में किसी की भी हवेला नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी आप चाहिए। आप कह रहे हो कि जो अपने को हिंदू कहेगा,
जो हिंदू कहता है वो आतंकवादी है, ये 80 करोड़ आदमियों को गाली है। लानत है हिंदू जो आज अलग चुपचाप बैठा है, लानत है इस हिंदू होने पे, लानत है लानत जो चुपचाप बैठ के चूड़िया बन के बैठे हैं। सर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे आदमी पे चाहिए? सबसे पहले कार्रवाई तो बाद में होगी। अच्छा हाँ बिल्कुल। एक बात कहना चाहता हूँ, देखो गलती इस फिरोज खान के पोते पप्पू की नहीं है, गलती हम हिंदुओं की है। हाँ। गलती हमारी है जो हम जातियों में बटे हुए हैं, समझ रहे हैं? गलती उसकी नहीं है, उसको पता है ये मेंटल है, असली मेंटल तो हम हिंदू हैं भाई साहब जो इसको झेल रहे हैं। अगर हम ढंग के हिंदू होते ना तो इसको बहा देते, इतनी ताकत है हिंदुओं में। हमारे भीष्म पितामह को भूल गए, सैकड़ों टी तनने के बाद भी भीष्म पितामह जिंदा थे जी। और ये जिसके ये यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है ना, जिससे वो कर रहा है, हम हिंदुओं की गलती है भाई, गलती उसकी नहीं है। उसको पता है ये बेवकूफ़ है, ये 50 करोड़ मेरे साथ ही है, मेंटली है, समझ रहे हैं? गलती हमारी है, गलती उस पागल की नहीं है। तो हम गलती हमारी है, हमें पता है हमें डूबना है, हमें पता है हमें डूबना है। देखा ना मोदी जी के साथ क्या करा, अरे अयोध्या में क्या करा। अबे लाना था, तुम हिंदू हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, समझ रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम 8000 खटाखट में पकड़ गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बताइए, आज गृह मंत्री बोले कि राहुल गांधी को इस वक्तव्य पे, इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए। अरे सर गृह मंत्री छोड़िए, आपको मैं बात बताऊं, अगर देश की जनता ने, अगर 10 लाख जनता ने भी साथ दे दिए ना, तो ये राहुल गांधी के कब्रों में जो बाप पड़े हैं ना, वो भी उड़ के भागेंगे, 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 समझ रहे हो? हमारा हिंदुत्व साथ नहीं है साथ, तो हम किसका साथ देंगे? ऐसा क्या होगा जो उनकी कब्र में भी, मतलब शोर पहुंच जाएगा? सर कब्र में शोर नहीं पहुंच जाएगा, देखिए देखिए प्रधानमंत्री, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री ना आम नहीं होता जी। राजा है, राजा को ना भगवान बिठाता है जी। समझे ना, जैसी राजा होती है वैसी प्रजा होती है। आज जो राजा बैठा है ना, उसने हमें सिखाया है, जिसमें हिंदुओं को नहीं सिखाया भाई साहब। आज मुसलमान 33% पढ़ रहा है जी। मुसलमान 33% पढ़ रहा है, क्योंकि राजा ईमानदार है, राजा एक आध्यात्मिक है, समझ रहे? तो वो शक्ति हमारे अंदर भी आएगी। वो तो कह रहे थे कि संविधान को हमने बचाया है, आज जब उनका भाषण शुरू हुआ, संविधान से उन्होंने बात शुरू की अपने। एक बात बताइए, फिरोज खान के पोते पप्पू मेंटल 84 में क्या करा तुम्हारे बाप दादों ने, 72 में क्या करा, 62 में क्या करा, 49 में क्या करा, क्या नहीं करा सर? राम भक्तों पे गोलियों से चलवाने के बाद क्या क्या नहीं करा इन्होंने? और ये बात कर रहे हैं आज संविधान की, जिसके बाप दादाओं ने 100-150 बारी संविधान को पन्ने चेंज कर दियो, मिटा दियो, वक्फ बोर्ड दे दियो, शरीयत दे दियो, वह शरीयत वो आज संविधान बचाने की बात कर रहा है। बात बताता हूँ मैं आज, सुनिए, अतीक अहमद माफिया जिसको राजीव गांधी के फोन पे उसको छोड़ा गया, ये राजीव गांधी के फोन पे छोड़ा गया अतीक अहमद को। अच्छा पहले? हाँ पहले, मैं वहीं का निवासी हूँ, मैंने पूरी बात सुनी। ये ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी का बयान सुना कि नहीं सुना? मैंने राहुल गांधी का बयान, राजीव गांधी जो था वो अतीक अहमद का भी समर्थन करता था जो माफिया था। जब राहुल गांधी का बयान आज सुना कि नहीं? मैंने सुना, वो कह रहा है कि हिंदू जो है वो हिंसक है। अरे हिंसक वो है जो आतंकवादी मुसलमान है, उनको क्यों नहीं बोलता ये? हाँ। जो हाफिज बोलने की ताकत नहीं, अरे जो हाफिज शहीद, हाँ। जो वहां से जहर उगलता था, मसरत आलम, यसीन मलिक, हाँ। कितने बम ब्लास्ट हुए उस समय, तो नहीं बोला कि ये हिंसक है? हाँ, ये हिंसक तो आतंकवादी है, हिंदू कहाँ से हिंसक है? आपने आज राहुल गांधी जी का बयान सुना? मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले तो आप ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी आज गृह मंत्री ने कहा भैया। मैं वही कह रहा हूँ, माफ़ी कौन मांगता है? जो एजुकेटेड होते हैं, जिनको इन चीज़ की नॉलेज होती है कि मैंने गलती करी, तुरंत हम माफ़ी मांगे। अगर हम अपने माँ बाप के आगे जरा सा चीख के बोल देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट ही टाइम हम बोलते हैं, पापा आई एम रियली वेरी सॉरी कि हमसे गलती हो गई। तो उस जरा से पप्पू को आज तक ये नहीं पता कि पॉलिटिक्स की स्पेलिंग क्या है। तो पहले तो पॉलिटिक्स को सीखे, गुणा भाग सीखे, और बड़ों की इज्जत तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। वो पहले यही सीख ले कि पॉलिटिक्स करनी कैसे है। आप लोगों को बरगर आके पागल बना के सिर्फ 99 सीट तो आपने हासिल कर ली, लेकिन वो सबको पता कैसे हासिल करी? इतनी बेवकूफ जनता है, सबको ये बोला कि संविधान खत्म हो जाएगा, नया संविधान बनेगा। पढ़े लिखे जो अनपढ़ जाहिल हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, सबसे बड़ी बात।
और अयोध्या में जहाँ पर सबसे ज्यादा वोट मिला है वो अयोध्या का जो सेंटर है विधानसभा, वो सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को ही मिला है। बीजेपी आउटसाइड से हारी है, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, फैजाबाद विधानसभा से। दूसरी चीज, योगी के लिए ये बोलते हैं कि योगी पूरी पावर नहीं दिखा पाए। मैं राहुल गांधी को ही कवर कर रहा हूँ अभी इसमें। वो कहते हैं कि योगी जो है वो अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पाए। पावर को यूज़ कैसे किया जाता है ये होती कर अहमद के थ्रू देख चुके हैं, दुबे के थ्रू देख चुके हैं, है ना। ये पावर यूज़ कैसे होती है वो देख चुके हैं। उनकी ज़रा नहीं कि बाप दादा ने चांदी के चम्मच में खाना खिलाया उनको और उसके बाद वो सिर्फ चीखते ही चिल्लाते रह गए। इटली से एक बुआ आती है, इटली से एक बुआ आती है, वो यहाँ पर बिहाती है, ठीक है, यहाँ पर रहती है, रानी बन जाती है और उसके बाद वो विधानसभा में और लोकसभा में संसद में एफर्ट्स करती है कि आई एम दी वन ओनली और माई फैमिली ओनली वु टेक दिस नेशन फॉरवर्ड। लेकिन मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि गांधी परिवार से सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ परिवार पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में कोई नहीं है। गांधी का नाम लेके, गांधी का सिर्फ नाम लेके उन लोगों ने अपने आप को आगे फॉरवर्ड किया है। अगर गांधी का नाम उन्हें नहीं मिलता, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, अगर उनका नाम उनको नहीं मिलता तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं नमाज पढ़ते हुए या कहीं ना कहीं किसी मस्जिद में बैठे हुए मिलते हैं हमें। और वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो बैक से सारे के सारे मुसलमान ही हैं। गांधी का नाम लेके एक कुर्सी पे एक घर में जिस दिन मोदी बराबर अब दोबारा आया ना, तो कोई वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस तो खत्म होगी होगी और जिन घरों में राजमहलों की तरह रहते हैं ना ये फुल सिक्योरिटी के साथ, वो सिक्योरिटी डंडे लेके तेले में रंग के तेल में पिछवाड़ा लाल करते हुए भगाएगी और उस दिन देखेंगे ये सत्ता की पावर क्या होती है। सत्ता की पावर से तुमने देश का सर्वनाश कर दिया। एक सिर्फ नेता, दो नेता मैं नाम लूंगा, एक तो हमारे मनमोहन सिंह जी, उनसे बेहतर वित्त मंत्री आज तक नहीं आया, ये हिस्ट्री गवाह है। आपने कभी देखा था जब वित्त मंत्री थे वो एक शालीन आदमी लगते थे, एक एक्सपर्ट आदमी लगते थे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर का आया बोझ तो बिल्कुल पप्पू हो गए। एक्चुअली माथे पे टीका लगाया है तो ये बताइए, जब आपने आज भाषण उनका सुना होगा। मैंने नहीं सुना भाषण, मैं तो आपका अभी ये देख रहा था कि जो हिंदू होता है वो हिंसक होता है। ये बताइए, आपने कभी ये सुना कि किसी ने जय महादेव कह के कहीं? अगर हम हिंदू हैं और हम हिंसक हैं तो महाराणा प्रताप भी हिंदू था, उसने भी युद्ध किया था, उसने कितनों के शीश काटे थे, वो कौन थे? हिंदू थे ना, लेकिन वो योद्धा नहीं थे। योद्धा सिर्फ एक होता है और हिंदू होता है। महादेव का भक्त, श्री राम का भक्त, हिंदू सच्चा और वही रहेगा। मुसलमान कन्वर्टेड हैं, पहले वो भी हिंदू ही थे, शायद ये सबको पता होगा और कोई मानने को तैयार नहीं होगा। जब ये देश था यहाँ पर सारे हिंदू थे, ब्राह्मण, ये सब जाति हमारी बनाई गई है, हमने ही एक दूसरे को बांटा है। एक बात बताइए मुझे, जब आदमी पैदा होता है बच्चे को पता होता है कौन सी जाति का है वो? उसके बाद उसे कान में भरा जाता है कि तुम इस जाति को, ये छुआछात बनाई किसकी गई है? कांग्रेस की। कांग्रेस ने कभी भी सिर्फ नाम लेके मुसलमानों का राजनीति करी है। आप बताइए वक्त बोर्ड का क्या कानून बनाया था उन्होंने? अभी भाई साहब एक बात कर रहे थे, वक्त बोर्ड का नाम लिया था कि तुम कहीं भी जाके किस जमीन पे अगर आप वो ऑफर कर दोगे तो वो जमीन आपकी हो जाएगी, छोड़नी पड़ जाएगी ना। बताइए ऐसी शब्दावली हमेशा सनातन या हिंदुत्व के लिए? देखिए ऐसा होता है, हिंदू ना बहुत पेशेंसफुल होता है, क्योंकि महादेव का जो पुजारी है ना, जब वो भोले की पूजा करता है ना, तो सारे दुख और सब जो कष्ट होते हैं ना वो सब महादेव भर लेते हैं। महादेव उन्हें पेशेंसफुल होना सिखाते हैं। कभी मोदी को आपने देखा है बदतमीजी करते हुए? कभी देखा है? कभी किसी को देखा है ऐसे बोलते हुए, ओए खड़ा हो जा, ये क्या बोला तुमने? कांग्रेस ऐसी सरकार है, ऐसे उनके सांसद हैं। जब हमारी राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उन्होंने अभिभाषण के बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। ये तो इनकी पॉलिटिक्स है, ये तो इनकी बदतमीजी है। पहले ये अपने कॉलर के अंदर तीन बार झांके, ठीक है, उसके बाद अपने माता पिता का नाम लें और सर ने बता दे गांधी का एक बार, फिर झांके, इनको पता चल जाएगा कितने बबूले और कितने कमल हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? आपने तो भाषण सुना ही होगा, आप तो हमेशा खबर देखते रहते हैं। देखिए एक लाइन में मैं कहूँगा, रामायण की हमारी एक पंक्ति है कि नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक एक बढ़ जाता है। तो इनका जो है ना विवेक जो है वो खत्म हो गया है। अच्छा। ठीक है, जब से राहुल जी अपनी पार्टी को कमान अपने हाथ में लिए हैं, देखी रहे कि क्या स्थिति है जी। जितने सीनियर नेता है सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना, उसी को जब सीट देंगे जो कहेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जी। जैसे कन्हैया लाल, क्या दूसरा नेता नहीं था? आनंद सिंह लवली थे ना यहाँ के विधायक? वो ठीक है। आज क्या भावनाएं आपकी आज हमारे को सुनकर? देखिए हमको ज्यादा दुख इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस की शुरू से हिस्ट्री रही है,
कभी भी एक भी इन अगर राहुल जी की पंक्ति बता दीजिए कि हमारे हिंदू धर्म के पक्ष में ये बोले हों, ये आज की नहीं, आज तो संसद में बोला इन्होंने, कहीं भी इनकी पंक्ति एक उठा कर देख लीजिए। शुरू से कांग्रेस हिंदू विरोधी रही है, आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। ये हमारे जनता को सोचना चाहिए। अरे तुमको मुद्दा उठाना था, विकास का मुद्दा उठा था, किसी के धर्म के नाम तुमने क्यों लिया? तुम कौन होते हो नाम लेने वाले किसी धर्म का, कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी किसी भी धर्म का नाम तुमने क्यों लिया? बिल्कुल सही बात है। तो इनका जो है ना, ये सफाया होना है, दूसरी कोई इसमें में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। क्या लगता है आपको कि देश में कोई प्रदर्शन होगा इनके खिलाफ में? जरूर होगा, या सिर्फ माफी मांग? एकदम प्रदर्शन होगा। और इस हम तो कहते अच्छा हुआ कि इन्होंने ये बोला, ताकि हमारे हिंदुओं का थोड़ा सा आँख खुले सुने कि इनकी क्या नीति रही है शुरू से और आज भी क्या है इनकी नीति। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ भाजपा को बोला है। फिर क्यों हिंदू धर्म उठाया? क्या और भी तो सदस्य वहाँ बैठे थे, किसी धर्म का नाम तुमने क्यों लिया? चाहे भाजपा, चाहे भाजपा, बीजेपी ने धर्म के नाम पर, बीजेपी ने धर्म के नाम, बीजेपी ने धर्म के नाम पर नहीं उठाया था मुद्दा। क्या उठाया कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो औरतों को जो है वो मंगलसूत्र गायब हो जाएगा उसके गले से, ये धर्म नहीं है। ये औरत तो हर धर्म में औरत है या केवल मुसलमान हिंदू धर्म में? हर धर्म है। तो फिर कहाँ से आ गया भाई? मंगलसूत्र संपत्ति से जुड़ा हुआ था। देखिए मंगलसूत्र बताइए, मंगलसूत्र धर्म से है या मंगलसूत्र संपत्ति? इसी से इनका आइडिया लगा लीजिए कि ये कैसे समर्थक है ये, कि जब नॉलेज भी नहीं। कहने का मतलब कि धर्म में क्यों बोला वो, यहाँ पर किस व्यू में बोले, संसद में क्यों बोले आया? इन्होंने पहले भी उन्हें बोला है कि मंदिर में लड़कियों जाते हैं आंख मारने के लिए, इशारा करने के लिए। हमारे हिंदू धर्म पर जब अटैक हुआ है या कभी एक शब्द बोला हो तो बता दीजिए, कोई भी कांग्रेसी बोला हो तो बता दीजिए। ये भी कहा गया था कि जो मूर्तियां हैं वो शक्ति कार्ड है, इसके धर्म यह है तो किसी धर्म के दूसरे धर्म के विरोध में बोल के दिखा दे। नहीं बोल सकते ये, क्योंकि जब चुनावी हिंदू है ये, जब जाएगा यहाँ पर मंदिर में जाएगा तो वहाँ पर जल चढ़ाएगा और टीका लगाएगा। ये हिंदू कहाँ से आ गया? ये हिंदू आता था, हिंदू किसी धर्म का नाम लेता ही नहीं है। गद्दार है ये। लेकिन वो तो आज देशभक्त और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, वो नेता बना, वो सब चलाक है ना, जानबूझ के इनको जब बताया ना, हाँ कि ये क्या क्या इनकी औकात, वो पता चल जाएगा ना कि इनकी क्या औकात है बोलने की। इनको तो दिखा आगे करके सब चुटकी ले रहा है। अरे तो बोलना तो उन्हें ने सिखाया, उसी का बाप दादा ने सिखाया बोलना। जितने जो राजनीति कर रहे हैं आज, अच्छा जो राजनीति कर रहे हैं वो उसी के बाप दादा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले से नहीं थी? अच्छा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले से नहीं थे? इनके नहीं ना दिखेगा ये सब चीज, इनको नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा इनको, दिखेगा वही जो बता रहे, जो 12-13 टुकड़े होंगे वो दिखेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पहले से नहीं थे? थे। तो फिर कांग्रेस ने राजनीति या बोलना कैसे सिखाया चाचा? उन्होंने तो सब नेताओं को ले आया, बाहर ले आए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये बताइए कि राजनीति कांग्रेस ने लोगों को सिखाई, आज मोदी ने लोगों को राजनीति और राज करना सिखाया, आप बताइए। देखिए नहीं कहना चाहिए, मोदी को आज सिंहासन पर बैठाने वाला है और आगे तक बैठाएगा तो राहुल बैठाएगा, क्योंकि इस तरह की उक्ति देगा, इस तरह का ये बोलेगा कि जनता इससे टूटेगी ही टूटेगी। अरे राहुल गांधी तो भाजपा की जीत में राहुल गांधी हाथ है। राहुल गांधी हम तो कहेंगे बोले यार, बोले ये राहुल गांधी, ये तो और बोले संसद में जाके। राहुल गांधी को कोई नहीं हटा। तब देखिए राहुल कहाँ को हटाया अभी, राहुल गांधी को कहाँ हटाया उनको? हमको तो बैठा के आगे कर दिया कि भाई बोलो खूब बोल और बोलो। मोदी जी खुद हट जाएंगे, मोदी जी खुद ही हट जाएंगे। पहले कहते थे सरकार नहीं बन पाएगी, अब सरकार बन गई है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बयान जो आ रहे हैं ना, उनका दिमाग बहुत खुला गया है, ठीक है। कितने पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं? जब 3 बार जो इलेक्शन हुई है ना, जितना सीट इनको आया है उससे ज्यादा आज भी बीजेपी है। मोदी सुने ना, मनमोहन सिंह कितने सरकार बनाए थे? मोदी जी मनमोहन सिंह कितने सरकार बनाए थे? 200 सीट पर।
ये तो 240 पर बना है, तीसरा बार में भी मोदी जी भी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इधर सुनो, सुनना ये बनारस में कितने 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 वोटों से जीते 2017 नहीं, उनकी लोकप्रियता कम हुई है कि जीत जीत होती है कि नहीं हुई है? 5,000 5,00,000 वोटों से अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में अयोध्या में जहाँ पे विकास किया वहीं पे हार गए। 880 करोड़ की अभी टेंडर गया था। सुनो अयोध्या कौन सी सीट है? अयोध्या सीट कौन थी? नहीं अयोध्या सीट कौन थी? लोकसभा सीट है कि विधानसभा सीट है? लोकसभा सीट है, लोकसभा हैदराबाद लोकसभा नहीं। देखिए जैसे उनके बयान है वैसे चाटुकार के बयान है, ठीक है ना? लोकसभा सीट बता रहे हैं अयोध्या को, फैजाबाद को नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना? 880 करोड़ का भी टेंडर पास हुआ था। ठीक है, ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।